हेलो बच्चों, और आज हम लोग अपने रिएक्शन मैकेनिज्म के ही पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और पहला रिएक्शन आज जो है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन, और सेकंड रिएक्शन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है उल्फ किशनर रिडक्शन। तो ये दो रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ किशनर रिडक्शन, इसी दो रिएक्शन के बारे में आज हम लोग इन डेप्थ स्टडी करने जा रहे हैं। और ये दोनों रिएक्शन जो है आपके जेई, नीट, एडवांस सभी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही, इवन बोर्ड में भी आपका रिएक्शन है, तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। क्लेमेंसन रिडक्शन, सबसे पहले यार हम लोग ये चीज जान लेते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन का काम क्या है। क्लेमेंसन रिडक्शन का काम क्या है? तो कोई भी एल्डिहाइड या हमारे पास कीटोन है, उसको यदि हमें एल्केन में कन्वर्ट करना हो, एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। आइदर हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन करवाते हैं या फिर उल्फ किशनर रिडक्शन मेथड करवाते हैं। दो मेथड है, दोनों का काम सेम है। क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करता है, या उल्फ किशनर रिडक्शन भी करवा सकते हैं हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट। अब बात आती है दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का रिजल्ट क्या है, तो ये सब तो अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। और दोनों में से कभी क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, कभी उल्फ किशनर ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। तो किस कंडीशन में कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है, कौन सा वाला मैथड यूज़ करना है एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यार लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोग देखना। स्टार्ट करते हैं यार आज के लेक्चर। सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन, तो चलो यार हम लोग पहले जो बेसिक्स है वन लाइन में, वन स्टेप में हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। जिंक एमलगम ZnHg प्लस HCl, ये होता है रिएजेंट। किसका रिएजेंट होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन का। ये है क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट। रिएजेंट तो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन में। एक तीन चीज तो होता है, सब्सट्रेट होगा, रिएजेंट होगा, और फिर फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। चलो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, तो ये R1C डबल बॉन्ड O जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है CH2, और ये बन जाता है R2। मतलब हो क्या रहा है, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट दिख रहा है ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? बस यही है रिएक्शन शॉर्ट में। यदि मान लो यहाँ पे कीटोन के जगह पे हम एल्डिहाइड ले लेते हैं R1C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे सेम रिएजेंट क्लेमेंसन रिडक्शन करवाते हैं, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, R1CH2H दैट इज RCH3 मिल गया, बस हमें एल्केन मिल जाता है। यह क्लेमेंसन रिडक्शन। अब बात आते हैं ये रिएक्टेंट, ये जो सब्सट्रेट है इससे प्रोडक्ट बना तो बना कैसे। तो चलो यार अब हम लोग इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म को इन डेप्थ जान लेते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म समझना यार। सबसे पहले यार हमारे पास R1C डबल बॉन्ड O R2 है। मीडियम कैसा है, जिंक अमलगम प्लस HCl, ZnHg प्लस HCl। तो HCl है तो हम बोल सकते हैं H प्लस तो बहुत सारा पड़ा है सॉल्यूशन में, H प्लस पड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा, ये ऑक्सीजन इस H प्लस पर अटैक कर देगा, मतलब प्रोटोनेशन हो जाएगा इस ऑक्सीजन का। तो यदि प्रोटोनेशन हो गया तो R1C डबल बॉन्ड OH R2, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। ये चीज समझ में आ रहा है, जस्ट ऐसा समझ लो ऑक्सीजन इस H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे किया, ऑक्सीजन अपना लोन पे H प्लस को दे दिया, ऑक्सीजन अपना H प्लस दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था। क्लियर है? तो ये पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जिंक यहां पे पड़ा हुआ है, जिंक पड़ा हुआ है, जिंक क्या करता है, जिंक इज अ सोर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। जिंक क्या होता है, केवल जस्ट इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। जिंक का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। तो यहां पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2+ बनाया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक का दिख रहा है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। समझ आया क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जरा सोचना यहां पे, जरा सोचना नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस, माइनस और प्लस क्या बन गया, न्यूट्रल। यदि न्यूट्रल हो गया तो हमें अब ये मिल जाएगा R1CC के साथ OH, यहां R2, और अब इस कार्बन पे क्या होने वाला, ये जरा सोच कर बताओ क्या होने वाला है इस कार्बन पे। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऐसे सोचो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया,
प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल गया इस कार्बन को, जैसे दो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो अब यह कार्बन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या न्यूट्रल रहेगा, इस कार्बन के बारे में बतलाना है तुम लोगों को। जरा सोचो और बताओ। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, जैसे प्लस आया, वन प्लस का मतलब होता है वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको तो दो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो यहाँ वन प्लस को वन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा उस सेकंड इलेक्ट्रॉन के कारण इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? दो इलेक्ट्रॉन का जैसे ही इस पे अटैक करेगा जिंक से निकल कर, तो दो इलेक्ट्रॉन जैसे आया ये बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस का मतलब वन, प्लस का मतलब वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, टू प्लस का मतलब टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऐसा। तो यहाँ पे एक माइनस एक प्लस आया, जैसे प्लस आया तो एक इलेक्ट्रॉन तो उस प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन दो दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप कर देगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसके बाद फिर क्या होगा? तो अगले स्टेप में देखो क्या होता है। एच प्लस तो यार ढेर सारा पड़ा हुआ सॉल्यूशन में, HCl है एसिडिक मीडियम है, मीडियम एसिडिक है, तो H+ ढेर सारा पड़ा है, यही H+ यहाँ पे अटैक कर देगा और ये बना देगा R1CHOHR2। ये चीज समझ में आया? बता दो, ये चीज समझ में आया किस तरह से ये प्रोडक्ट बना? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जरा सोचो। तो फिर से यार मीडियम तो एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है, अगेन क्या होगा? मीडियम एसिडिक है, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर, ये अटैक कर देगा इस पे। जैसे ही अटैक कर दिया R1CHOH2+ यहां पे R2, समझ में आ रहा क्या किया? ये H+ ऑक्सीजन अपना लोन पे H+ को दिया, जैसे ही दिया ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, OH2+ हो गया। क्लियर है चीज? अब यदि ऐसा हो रहा है तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये H यहां से जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ना, ये OH2+ लेकर निकल जाएगा। मतलब ऐसा समझो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो यहां पे क्या रह गया? प्लस चार्ज रह गया। और जहां प्लस चार्ज आया, यहीं पे देखना एक ही स्टेप में मैं बता दे रहा हूं, फिर से यहां पे दो इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन अगेन कहां से आने वाला है? जिंक के आयनाइजेशन से आने वाला है। ये दो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन अगेन इसको अटैक कर देगा। अब जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन अटैक किया तो जरा सोचना प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है। तो ये H2O तो बाहर हो गया, माइनस H2O कर देते हैं, माइनस का मतलब H2O यहाँ से बाहर हो गया इलेक्ट्रॉन को लेकर, प्लस चार्ज छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड को तोड़े तो एक माइनस इस पे एक प्लस इस पे आएगा। ध्यान से सुनना, एक ही बॉन्ड को ब्रेक कर रहे ना, तो एक माइनस इस पे एक प्लस इस पे, एक इलेक्ट्रॉन तो इस एक प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन यहाँ है दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? R1CH-R2 और यहाँ पे हो गया H2O बाहर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं यार, मीडियम एसिडिक है, माइनस चार्ज दिख रहा है, माइनस चार्ज इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके बना देगा R1CH2R2। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा एल्के। यही था इस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से, इसलिए तुम लोग यार थोड़ा ध्यान से समझ लेना फिर से, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो सकता हो गया हो, क्लियर? चलो समझना। सबसे फर्स्ट स्टेप में HCl मीडियम एसिडिक है, हर जगह HCl H+ है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, तुरंत इस H+ को देखा, ऑक्सीजन को देखा, H+ को देखा, अटैक को मारा OH+। अगले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इस प्लस पे जिंक का दो इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा, जैसे दो इलेक्ट्रॉन अटैक किया तो इस पे माइनस आ जाएगा। याद रखना, यदि किसी कार्बन के ऊपर प्लस वन चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन अटैक करता है तो ऐसे में उसके ऊपर माइनस वन आ जाता है, माइनस वन आ गया। फिर क्या होगा? मीडियम एसिडिक है, जहां भी माइनस चार्ज दिखा H+ तुरंत एक्सेप्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर से मीडियम एसिडिक है, अगेन H+ अटैक किया OH को, OH2+ बन गया। अगेन ये जस्ट लाइक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन अपना लोन पे H+ को दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, OH2+ बन गया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो OH2 बाहर हो गया, C पे चार्ज क्या आ गया? प्लस। अगेन ये जिंक का दो इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक कर देगा और इस तरह से अटैक किया तो अगेन दो इलेक्ट्रॉन अटैक किया तो माइनस, जैसे ही माइनस आया अगेन मीडियम एसिडिक है, H+ लेके ये CH2R2 में। तो फाइनली क्या देख रहा है? प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? एल्केन। तो एल्डिहाइड या कीटोन हमारे पास जो भी हो, तो ये क्या होगा? आइदर एल्डिहाइड होगा या कीटोन, आइदर एल्डिहाइड होगा कीटोन, हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? एल्केन मिलने वाला है।
ठीक। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लेमेंसन रिएक्शन से रिलेटेड, देखिए ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में हो रहा है, H+ H+ हर जगह दिख रहा है, इसीलिए यदि कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, यदि सबस्ट्रेट में कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसे में क्या होगा, हमें ये कीटोन तो एल्केन में कन्वर्ट होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी रिएक्शन और भी फर्दर स्टेप में जाता है। कहने का मतलब क्या है, इस चीज को जान लेते, ये तुम लोग मैकेनिज्म नोट कर लेना। बाय द वे मैकेनिज्म समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, इस चीज को तुम लोग विजुअल, यदि आप लोग को बहुत ही डिटेल्स में नॉलेज चाहिए होगा तो आप लोग मैकेनिज्म जा सकते हैं। बाय द वे कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ के नहीं भी होते हैं, तो एडवांस में चांसेस है कि सवाल आपसे मैकेनिज्म से रिलेटेड पूछ दिया जाए। जेई मेन और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रियलिटी है फैक्ट है बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको यार हर चीज़ समझ समझ के पढ़ना है, आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए मैकेनिज्म था ये, ठीक। हाँ, लेकिन जे में नीट वाले भी कैंडिडेट क्या करेंगे, मैकेनिज्म एक बार देख लेंगे। देख लेने से क्या होता है, रिएक्शन जल्दी याद होता है, क्योंकि आपको पता होता अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैकेनिज्म आपको पता है ना, तो बहुत बार क्या होता है, आप सवाल नया सवाल को भी खुद से कर सकते हो, क्योंकि आपको मैकेनिज्म पता है, रिएक्शन किस तरह से हो रहा है ये आपको पता है, तो ऐसे में नया सवाल भी आपके सामने आ जाए ना, तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो मैकेनिज्म पढ़ने का ये सब एक बेनिफिट भी है। तो चलो, तो ये चीज़ तो तुम लोग नोट कर लिए, तो अब यहाँ पे नोट करके एक दो पॉइंट लिखना है, नोट करके मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ। ये जो रिएक्शन हो रहा है, इट इज एन एसिडिक मीडियम प्रोसेस, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो इसीलिए यदि मॉलिक्यूल में मान लो सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन रहता है, या फिर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है OH या NH2 या OR, यदि ये सब ग्रुप रहता है, तो ऐसे में क्या होता है ना, यहाँ पे हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिलता है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन तो चलो एल्केन में कन्वर्ट होता है, रिड्यूस होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी क्या हो जाता है, जो एल्कीन एल्कोहल अमीन ये भी कन्वर्ट हो जाता है दूसरे प्रोडक्ट में। जैसे एग्जांपल के लिए यार देखो, मान लो हमारे पास ऐसा है कोई रिएक्शन, ठीक है, इसमें हमने क्या कराया, क्लेमेंसन रिडक्शन कराया, ZnHg+HCl, समझना क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले यार ये सी डबल बॉन्ड हो, क्लेमेंसन रिडक्शन दिख रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कन्वर्ट तो होगा ही होगा, सी डबल बॉन्ड हो किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में कन्वर्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, होगा ही होगा, ये HH जुड़ गया तो HH वहां पे लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये जो डबल बॉन्ड है उसका क्या होगा, तो देखिए मीडियम एसिडिक HCl है, तुम लोग मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़े हो कि नहीं पढ़े, वहां देखो मैं साइड में थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़े होगे तो याद होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यदि इसमें HCl का एडिशन करते हैं तो बताओ क्या होता है, याद है HCl HBr का एडिशन, मार्कोनिक ऑफ रूल, तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ब्रेक किस तरह से करता है, कुछ इस तरह से करता है, जिससे कि प्लस चार्ज मोर स्टेबल कार्बन के ऊपर जाए और माइनस चार्ज लेस मतलब इधर वाले पे आ जाए। क्या करना होता है, एल्कीन को के बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक कुछ इस तरह से करना है जिससे प्लस चार्ज मोर स्टेबल बने, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने, तो मोर स्टेबल यहाँ पे है, माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। अब HCl H+ और Cl, जस्ट हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, एल्कीन में HCl का एडिशन किस तरह से करते हैं वो समझा रहे हैं, ठीक है ना, तो HCl H+ Cl- में ब्रेक हुआ, प्लस पे कौन अटैक कर देगा, तो ये सो Cl- ये अटैक कर देगा, H+ कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ अटैक कर देगा, समझे। तो इस तरह से यदि ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, CH3 ये CH पे अटैक कर दिया Cl और ये हो गया CH2 और यहाँ इसको CH3 भी लिख सकते थे, तो CH3 CHCl CH3 मिल गया हमें, मतलब एल्कीन पे HCl का भी एडिशन होता है और HCl का एडिशन जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल का मतलब प्लस चार्ज जहाँ मोर स्टेबल बनेगा वहाँ पे आपको Cl- जोड़ देना है, या जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसको जोड़ देना है और H+ दूसरे माइनस चार्ज के ऊपर चला जाएगा ये, तो सेम चीज यहां पे भी देख सकते हो, एल्कीन है और HCl भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो ऐसे में यहां पे भी क्या हो जाएगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा और मार्कोनिक ऑफ एडिशन है तो अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यदि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जरा बताना मुझे तुम लोग, ये बॉन्ड को ब्रेक किया मैंने, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, प्लस आइदर यहां पे आएगा या यहां पे आएगा, दो में से एक जगह पे आएगा, प्लस चार्ज कहां आना चाहिए जरा सोच कर बताओ। तो देखो यदि प्लस चार्ज यहां आया
यदि प्लस चार्ज यहाँ आया तो कितना अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा हमें, जरा देखो तो बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH2, पांच अल्फा हाइड्रोजन मिला। लेकिन यही प्लस चार्ज यहाँ के बजाय यहाँ पे हम देते तो कितना अल्फा हाइड्रोजन मिलता, दो और दो चार अल्फा हाइड्रोजन मिलता, चार मिलता ना यदि प्लस चार्ज यहाँ बनाते। इसीलिए प्लस चार्ज कहाँ आना चाहिए ये बताओ जरा, प्लस चार्ज कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। प्लस चार्ज मोर स्टेबल क्यों, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन जब भी पॉजिटिव चार्ज बने तो हम लोग उसका स्टेबिलिटी देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, दैट इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। तो अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा है इस प्लस चार्ज के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, इस वाले कार्बन पे प्लस आएगा और इस वाले पे माइनस आएगा समझाने के लिए। और जहाँ प्लस आया वहीं पे Cl- अटैक करेगा, यानी Cl- जो यहाँ अटैक करेगा H+ यहाँ अटैक करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट यदि मेरे को लिखना हो तो फाइनल प्रोडक्ट हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब देखो ये बॉन्ड को हटा देंगे और अब इस वाले पे Cl आ जाएगा, इस वाले पे H आ जाएगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा। तो इससे सीखे क्या कि यदि सबस्ट्रेट में कहीं एल्कीन लगा हो और क्लीमेंसन रिडक्शन करा रहे हैं तो ये एल्डिहाइड या कीटोन पार्ट को डेफिनेटली कन्वर्ट करेगा एल्कीन में, सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन एल्कीन को भी ये एल्कीन की जगह पे भी वो एडिशन कर देता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर देता है और इस तरह से Cl दोनों अफेक्टेड हो जाता है समझे। हाँ, लेकिन यदि इसी रिएक्शन, अब देखो हम लोग उल्फ किस्टर रिएक्शन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यदि मान लो हमें केवल C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना है, हमें एल्कीन को एज इट इज रहने देना है, छोड़ देना है, उसे टच नहीं करना है, तो ऐसे में हम लोग फिर उल्फ किस्टर रिडक्शन कराते हैं। उल्फ किस्टर में क्या होगा, एल्कीन जो है वो अनअफेक्टेड रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उल्फ किस्टर पढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो ये चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये रफ एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया था। चलो ये एक रिएक्शन हो गया। इसी तरह से मान लो हमारे पास OH डबल बॉन्ड हो, अगेन क्लीमेंसन रिडक्शन करवा रहे हैं, एक चीज तो बहुत ही क्लियर, ये C डबल बॉन्ड OH दिख रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, ये तो बहुत ही इजीली दिख रहा होगा। अब बात आती है ये OH क्या कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, क्या लगता है OH का क्या होगा, क्या OH यहां पर एज इट इज लगा रहेगा या ये नहीं लगा रहेगा हट जाएगा, क्या लगता है। तो देखो यार मीडियम एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है मतलब H+ बहुत सारा है, H+ बहुत सारा है, तो लोन पेयर इसके साथ अटैक मार देगा H+ पे, तो जैसे ही ऐसा होगा तो ये अगेन क्या बन जाएगा OH2+। और OH2+ बना तो क्या होना चाहिए भाई, देख पहले HCl था ना, HCl ब्रेक हुआ H+ Cl- H+ तो चला गया इसके पास, अब ये क्या होगा, क्या होगा ये H2O यहां से निकल जाएगा, H2O निकला तो यहां पे क्या चार्ज छोड़कर जाएगा, H2O माइनस लेकर निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकलेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेकर निकला माइनस लेकर निकला तो यहाँ पर प्लस छोड़ गया, प्लस जैसे छोड़ गया Cl- यहाँ पर अटैक कर देगा, इंतजार कर रहा था भाई Cl- कि हमको कहाँ प्लस चार्ज दिखेगा, जहाँ प्लस चार्ज दिखेगा वहाँ पर अटैक मार देगा समझे। तो इसलिए यहाँ पर फाइनली Cl हमें मिल जाएगा, मतलब OH था, OH क्या हो गया, OH का सब्स्टिट्यूशन हो गया Cl के द्वारा। तो अगेन क्या देख रहे हैं, यदि कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप OH हो गया, NH2 भी ऐसा होता तो भी यहाँ पे भी क्या होता, NH3 बाहर हो जाता अमोनिया, यहाँ पे H2O बाहर हो गया, H2O बाहर हुआ वहाँ पे Cl लग गया। तो यहाँ पे यदि OH को हम केवल OH ही रहने देना, मतलब हम केवल इसको चेंज करना चाहते, इसको अनचेंज रखना चाहते थे, OH को यहाँ पे भी हम OH ही चाहते, तो फिर इसके लिए हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन प्रेफर नहीं करेंगे, फिर हम कौन सा रिएक्शन प्रेफर करेंगे, अगेन उल्फ किस्टनर रिडक्शन प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज़ समझ में आया, ये जो रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम रिएक्शन होता है, इसलिए यदि मॉलिक्यूल में कहीं C डबल बॉन्ड सी एल्कीन रहा, OH रहा, NH2 रहा, ये सब ग्रुप यदि रहा, NH3 NH2 रहा, तो ये सब क्या होता है, अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा था ना, हाँ ये C डबल बॉन्ड सी ये सब पार्ट क्या होता है, गेट अफेक्टेड इन क्लीमेंसन रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है नोट कर लो, ठीक है, ये चीज नोट कर लो तुम लोग। अब इसी में मान लो हमारे पास ये है ऐसा सी डबल बॉन्ड O और यहां पे हमने Cl या Br जो भी लगाना है लगा सकते हो, और यहां पे हम क्लीमेंसन रिडक्शन करा रहे हैं जिंक HCl, जिंक मर्क्यूरी प्लस HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एक चीज तो यार बहुत ही ऑब्वियस है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में,
यहां तक नो डाउट। अब सीएल का क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट। क्या लगता है एक्सीएल क्या इस सीएल के साथ अटैक करेगा? हाँ, नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए यदि कहीं हैलोजन लगा हुआ है तो वो हैलोजन एज इट इज रह जाता है। तो अब यदि हमें यहां से ये प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसे में कौन सा मेथड मोर सुटेबल होता है? तो डेफिनेटली क्लेमेंसन रिडक्शन इसके लिए अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि भाई ये केवल सी डबल बॉन्ड ओ को सी एस टू में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन हम लोग जब उल्फ किशनर रिडक्शन में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि ये वाला रिएक्शन, हमें ये प्रोडक्ट उल्फ किशनर में नहीं मिलता, वो फिर सी एल चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है वो उल्फ किशनर में जाके देखेंगे कि यहाँ पर एल्कीन बन जाता है सी एल निकल कर, कैसे बन जाता है वो बात की बात है। फिलहाल क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्कीन, एल्कोहल, NH2 ये सब अफेक्टेड हो जाता है, लेकिन यदि हैलोजन कहीं लगा सी एल बी आर आई लगा है तो ऐसे में वो अनअफेक्टेड रहता है, मतलब वो जहाँ था जैसे था वैसे ही रह जाता है। तो जब भी आपको ये से ये प्रोडक्ट बनाने बोला जाए तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन प्रीफर करोगे, ठीक है। चलो, तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन का ऑल डिटेल्स हो गया, इन डेप्थ हम लोग देख ली, हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखे हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं उल्फ किशनर रिडक्शन। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे ना, आप लोग जो भी क्या जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने नोट्स बनाकर लिख दिया, तो उसको आप लोग भी नोट कर लो, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम लोग उल्फ किशनर रिडक्शन देख लेते हैं। उल्फ किशनर रिडक्शन, एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। उल्फ किशनर रिडक्शन, उल्फ किशनर रिडक्शन देखो यार, ये सब जो है ना रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन क्यों? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो उल्फ किशनर रिडक्शन सबसे पहले यार देख, इसका भी फंक्शन वही है, एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करता है एल्केन में, दोनों का काम सेम है, बस यहाँ पर रिएजेंट चेंज हो जाता है। रिएजेंट क्या लेते हैं देख लेते हैं, R1 C डबल बॉन्ड O R2। यहाँ पे हम लोग रिएजेंट लेते हैं NH2 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 का नाम पता है आप लोगों को? हाँ, क्या होता है नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, हाइड्राजीन होता है, हाइड्राजीन ZINE। और ये हम लोग लेते हैं KOH इन एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल, जिसको हम लोग शॉर्ट में इजी लिख देते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। ये एज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का काम करता है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है ये किस मीडियम में हो रहा है? बेसिक मीडियम में हो रहा है, दिख रहा होगा KOH प्रेजेंट है, जबकि क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा था, HCl था वहाँ प्रेजेंट। समझाने की जरूरत तो नहीं है इतना, तुम लोग होशियार हो समझदार हो। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो प्रोडक्ट तो यार बता ही दिए पहले, यहाँ पे भी क्या होता है सी डबल बॉन्ड अगेन कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, ठीक। इतना तो यार समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म को जान लेते हैं, मैकेनिज्म ये रिएक्शन हो किस तरह से रहा है, ठीक। देखो हमारे पास है R1 C डबल बॉन्ड O R2, है ना ये चीज, इस पे एन अब हाइड्रोजन है NH2 NH2, हाइड्रोजन भी क्या एक न्यूक्लियोफाइल है, दो दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास पड़ा है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ, O पे माइनस, C पे प्लस आया, जहाँ पे प्लस आया नाइट्रोजन का लोन पेयर तो है ही है भाई, अटैक करने के लिए रेडी है। देख जब भी न्यूट्रल स्पीसीज यदि अपना लोन पेयर देता है तो उस न्यूट्रल के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, समझ रहे हो। जैसे H2O है, H2O में ऑक्सीजन न्यूट्रल है, ये अपना मान लो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को देता है तो H2O तो H3O हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अपना पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है, और H प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? पहले H पे प्लस था, इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। सिमिलरली NH3 है, H प्लस का अटैक किया नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये NH3 से NH4 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन न्यूट्रल था अब प्लस हो गया। क्यों? पहले ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन दिया, न्यूट्रल स्पेस से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है ना। ये सब बेसिक बातें यार केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना होता है। चलो तो अब होगा क्या यहाँ पे, R1CO पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। R2 को चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, और ये जो NH2 वाला ग्रुप है ना इसको मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ NH2 NH2। अब देखो चार्ज किसके ऊपर आएगा, ये नाइट्रोजन अटैक किया, न्यूट्रल था, अपना लोन पेयर दिया, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये NH2 न्यूट्रल ही रहेगा एज इट इज, लेकिन ये NH2 के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, समझ सकते हो कैसे?
और ऐसे भी याद रखो यार, नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाए तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए। देख लो यहाँ नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा प्लस है, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाए न्यूट्रल रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ तीन बॉन्ड बना रहा न्यूट्रल रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या, मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है, मीडियम अल्कलाइन है तो ये क्या करेगा, इस एच को चुरा कर ले आएगा। जैसे चुरा कर ले आएगा तो क्या बन जाएगा, आर वन सी ओ पे माइनस चार्ज, ओ पे माइनस चार्ज, यहां पे आया आर टू, यहां पे अब एक एच प्लस वहां से चुरा लिया, तो देखो समझना यार, एच प्लस ले लिया, यहां से एच प्लस निकला, एच प्लस निकला तो चार्ज क्या छोड़कर गया, माइनस, पहले से इसके ऊपर प्लस था, प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल, समझ में आया। तो अब इसके बाद क्या होने वाला है, बस O माइनस, अब यहां पे क्या हुआ, मीडियम मैच टू होगा, कोई भी मीडियम एक्वस सॉल्यूशन रहता है ना, तो ये मीडियम से एच प्लस एक्सेप्ट कर लिया, जैसे एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, आर वन सी ओ एच आर टू, यहां पर बना एन एच एन एच टू, यहां तक तो समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। देख लो यार एक बार फिर से क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले यार सी डबल बॉन्ड को ब्रेक के ओ पे माइनस, इस पे प्लस, जैसे प्लस आया हाइड्रोजन में नाइट्रोजन के पास लोन पे है, वो अटैक कर देगा इस सी पे, तो जैसे अटैक किया तो आर टू को मैंने नीचे लटका दिया, इधर एनएच टू, एनएच टू बन गया, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया। अगले स्टेप में ओ एच माइनस आएगा, ओ एच माइनस इस एच प्लस को निकाला, एच प्लस यहां से निकला, माइनस आया, ये भी हो गया न्यूट्रल, लेकिन अभी भी ओ पे माइनस चार्ज पड़ा है, ओ माइनस क्या करेगा, मीडियम से एच प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, वाटर से एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, तो अगेन ये मीडियम अल्कलाइन मीडियम है, OH माइनस, अगेन ये OH माइनस इस H प्लस पे फिर से अटैक कर दे, उसको H दिख रहा है, H यार पता है ना बेस, बेस को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, तो उसका बस नजर H प्लस की ओर ही रहता है, कहाँ है H प्लस, जहां H प्लस देखा वहां से चुरा लेगा। तो देखो तो इस तरह से आर वन सी ओ एच आर टू, और यहां से जैसे ही H प्लस निकालेगा तो यहां पर आ जाएगा चार्ज माइनस, और यहां पर आ गया NH2, समझ में। अगला स्टेप में क्या होगा, अब यहां से ये OH- से स्केप कर जाएगा, जैसे ही OH- स्केप कर गया तो OH- तो निकल गया, यहां चार्ज क्या छोड़ कर गया, प्लस, प्लस जैसे छोड़ कर गया बगल में माइनस, प्लस को माइनस चाहिए भाई, तुरंत प्लस माइनस आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह से यहां पे बन गया R1 CR2 और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड एन NH2, जैसे समझ में आ रहा है किस तरह से बना, OH- यहाँ से निकल गया, ठीक है ना, कुर्बान कर दिया इस माइनस चार्ज के लिए, माइनस चार्ज अकेला था, ये OH- को देखा नहीं जा रहा था, OH- यहाँ से निकल गया, प्लस छोड़ा, प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, अब देखिए सब हैप्पी हैप्पी। लेकिन ये जो कंपाउंड है ना, ये हाइड्रोजोन कहलाता है, ये कंपाउंड क्या कहलाता है यार, ये सब नाम याद रखना, यह हाइड्रोजोन इससे पहले भी हम आप लोग को बताएं, याद नहीं होगा इतना याद, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद होनी चाहिए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल फर्स्ट क्लास में जो पढ़ रहे हैं ना उसको लास्ट क्लास तक याद रखना होता है, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप मास्टर बन पाओगे। हाइड्रोजोन, तो ये टॉटोमेरिज्म है, तुम लोग को पढ़ाएंगे टॉटोमेरिज्म किस तरह से होता है, ठीक। तो चलो ये क्या होता है, एक अनस्टेबल होता है अल्कलाइन मीडियम में, अनस्टेबल इन अल्कलाइन, टॉटोमेरिज्म का भी लेक्चर डला हुआ है, जाके देख लेना यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो। हाँ हाइड्रोजन अनस्टेबल होता है, तो अब ये क्या होगा, टोटोमराइज कर जाएगा, किस तरह से टोटोमराइज करता है, तो देखिए टोटोमराइजेशन का थोड़ा सा बेसिक आइडिया देते हैं, जैसे मान ले सी डबल बॉन्ड सी ऐसा है, ठीक है ना, कोई कंपाउंड ऐसा है, समथिंग समथिंग इधर लगा हुआ है, होता किस तरह से रिएक्शन है, ये बॉन्ड यहां से एच प्लस निकलता है ओ पे माइनस, जैसे माइनस आया यहां से एच प्लस, सॉरी ओ माइनस आया ना, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करता है, इधर ब्रेक करेगा, यहां पे क्या आएगा प्लस, यहां पे माइनस, ये जैसे माइनस आएगा तो देखो अगले स्टेप में क्या होता है, ये इनॉल है, ठीक है ना, ये इनॉल है, एच प्लस यहां से निकलेगा ओ पे माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक का माइनस इधर प्लस, यहां प्लस माइनस यहां ऐसा बना देगा, उसके बाद यहां पे क्या होगा, सी पे माइनस आया, एच प्लस यहां से निकल जाएगा, यहां पे माइनस चार्ज आया, ये जो माइनस चार्ज आएगा यहां से जो एच प्लस निकला, ये एच प्लस यहां पे आकर अटैक कर देगा, सी एच टू पहले से पड़ा हुआ था, ये H कहीं नहीं निकल रहा, ठीक है ना, ये H अपने जगह पर एज इट इज रहेगा, ये माइनस चार्ज इसके ऊपर आएगा, इस माइनस पे ये वाला H आके अटैक कर देगा, ये CH3 बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ये चीज कैसे हो रहा है, तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, ये इनॉल था और ये कौन सा फॉर्म बन गया, कीटो फॉर्म बन गया, ठीक, तो यही चीज इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये काम का नहीं है फिलहाल, तुम लोगों बस बताने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरह से
टोटोमराइजेशन होता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने रिएक्शन में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H+ देखो, इस रिएक्शन को मैं इधर साइड में बता देता हूँ, समझ लेना यार तुम लोग कैसे रिएक्शन हो रहा है। डबल बॉन्ड एन एन एच टू, एन एच टू को मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक एच को मैं अलग कर देता हूँ, एन एच टू ऐसा लिख देता हूँ। ये यहाँ से H+ निकलेगा, H+ निकला चार्ज का छोड़कर गया माइनस, यदि ये माइनस आ रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक करेगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये प्लस माइनस क्या करेगा बॉन्ड बना लेगा, समझना बॉन्ड बना लेगा, और ये माइनस अगर यहाँ आया तो ये H+ इसके ऊपर चला जाता है, मतलब ये बना देगा R1 CR2, यहाँ पे CH हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH हो जाता है, इस तरह से समझ में आ रहा है किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा R1 CR2, ये H+ निकलेगा, माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज आया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसा, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, समझा। और ये H+ जो निकला यहाँ पे जब बॉन्ड को ब्रेक किए थे तो इस पे माइनस चार्ज आया था कार्बन पे, माइनस पे यही H+ आके अटैक कर देगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा CH। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, तो अगेन OH- पड़ा हुआ है, OH- इस H+ पे अटैक करता है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तुम लोग नोट कर लेना, ये सब रफ वर्क है। चलो OH- अब अटैक किया फिर से, तो ये क्या बना था, R1CH। देखिए थोड़ा लंबा मैकेनिज्म जा रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना, ये मत देखना भाई लेंथ कितना बड़ा है मैकेनिज्म, ठीक है ना, देखो अगर डर जाओगे, इसलिए बस आप स्टेप को समझने की कोशिश करो, ऐसे आपको स्टेप रटने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, इतना इनडेप्थ नहीं पूछा जाता है, बस समझाने के लिए आपको रिएक्शन को समझना, इनडेप्थ समझना तो आपको इतना जरूरत पड़ेगा मैकेनिज्म को, ठीक है ना, मे बी एडवांस में पूछ दिया जाए, लेकिन जेई मेन और नीट में इतना आप लोग को मैकेनिज्म की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो इसीलिए बस आप लोग बस जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझने की कोशिश करना कि किस तरह से कौन अटैक करता है, कहाँ क्या होता है। हाँ, तो H+ को निकाल दिया तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन माइनस लेकर निकल जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये माइनस, मतलब नाइट्रोजन माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन लेकर निकला, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, जैसे ही ऐसा होगा तो इस नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, नाइट्रोजन पे प्लस आया माइनस के साथ क्या बना देगा N2, मतलब N2 रिलीज हो जाएगा, N2 बाहर निकल गया और यहां पे बन जाएगा R1CH वापस में माइनस और यहां R2, और अब ये फिर से मीडियम से H2O का H+ को ले लेगा और ये बन जाएगा R1CH2R2। तो ये जो C पे माइनस माइनस जो H+ ये ले रहा है ना, वाटर से लेता है, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, अगेन हमें फाइनल प्रोडक्ट एल्केन मिल गया। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो यार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक काम करता हूँ इधर समझ, चलो देखो थोड़ा छोटा करना पड़ा यार मुझे, ये है मैकेनिज्म, दिख रहा होगा तो तुम लोग फोटो खींच लेना, किस तरह से बन रहा है एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले यार C डबल बॉन्ड O ब्रेक हुआ, NH जैसे ब्रेक हुआ O पे माइनस C पे प्लस, ये नाइट्रोजन अटैक किया और अटैक किया तो क्या हो गया, ये NH2 N पे प्लस O पे माइनस, ठीक है। फिर ये OH- इस H+ को लेकर इस नाइट्रोजन को न्यूट्रल बना देगा, O पे माइनस है H2 आके इसको H+ दे दिया, OH बन गया, ये हो गया पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल। अब फिर से OH- आएगा इस नाइट्रोजन से H+ ले जाएगा, माइनस चार्ज आया फिर से, जैसे ही माइनस चार्ज आया अब OH कुर्बान कर अपने आप को कर देगा, OH- निकला प्लस, प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, बन गया हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है तो ये आप कन्वर्ट हो जाएगा, टोटोमराइज कर जाएगा, ये स्टेप में मैं लिख देता हूँ टोटोमराइजेस, ठीक है ना, ये स्टेप में क्या हो रहा है टोटोमराइजेशन हो रहा है, टोटोमराइज हो रहा है। तो टोटोमराइजेशन में क्या हो रहा है, अब ये NH2 का H+ निकला, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इस पे माइनस इस पे प्लस, प्लस H+ निकला माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा बॉन्ड बना लेगा और यहाँ C पे माइनस ये H+ इस C- को मिल जाएगा, तो इस तरह से RCH R2, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं वीडियो रिपीट करके देख लेना,
अब फिर OH माइनस आएगा, अब ये जो डबल बॉन्ड NH लगा है उस H प्लस को निकालेगा माइनस, और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस आपस में N2 बना के बाहर हो जाएगा और ये माइनस आ गया, H2O से H प्लस अगेन करेगा, बन जाएगा एल्केन। ये है कंप्लीट मैकेनिज्म इस रिएक्शन का, उल्फ-किशनर रिडक्शन का। तो देखो यार, ये मीडियम किस मीडियम में हो रहा था, अल्कलाइन मीडियम में हो रहा था। यदि अल्कलाइन मीडियम में हो रहा है तो ऐसे में यदि कोई सेंस एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा लाइक COH लगा हो, तो ऐसे में क्या होता है, C डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन वो वाले भी पार्ट अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को नोट करके लिख लेना है आप लोग को, ठीक है ना, नोट करके लिख लेना, द substrate should not have base sensitive group का मतलब बेस जिससे रिएक्ट कर सकता है ना वो नहीं होना चाहिए, और बेस किससे रिएक्ट करेगा एसिड से, तो एक तो एसिड हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बेस सेंसिटिव ग्रुप लाइक COH SH भी नहीं रहना चाहिए, NH3+ ये सब यदि रहा तो ऐसे में, और यहाँ पे एक और है Cl, हैलोजन भी नहीं रहना चाहिए, यदि हैलोजन रहा तो ऐसे में भी बेस क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करा देता है। एलिमिनेशन किस तरह से रिएक्शन होता है देख लो यार, यहाँ पे ये है, ठीक है ना, ये C डबल बॉन्ड हुआ है, मान लो हमने यहाँ पे उल्फ-किशनर रिडक्शन कराया, NH2 और नीचे रहेगा KOH इन एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल दैट इज CH2OH, ये सॉल्वेंट है, होगा क्या, सबसे पहले उल्फ-किशनर दिख रहा है तो C डबल बॉन्ड O को तो यार कन्वर्ट करेगा ही CH2, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब बात आता है यार इस Cl का, ये Cl क्या अनअफेक्टेड रहेगा या अफेक्टेड हो जाएगा, देखो यार मीडियम कैसा है, अल्कलाइन मीडियम है, KOH पड़ा है सॉल्यूशन में, KOH क्या करता है ना, इस बगल वाले Cl के बगल वाले कार्बन से H प्लस एलिमिनेट करता है। देखिए ये ऑलरेडी तुम लोग को हम बताएं, यहीं पे समझा देता हूँ, यहाँ पे H है ना लगा हुआ, ये OH माइनस इस H प्लस को निकाल देगा, H प्लस को जैसे ही निकालेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये माइनस चार्ज जैसे आया यहाँ से Cl माइनस की तरह निकल जाएगा, Cl माइनस की तरह निकला यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस क्या किया आपस में बॉन्ड बना लिया, मतलब फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब यदि मॉलिक्यूल में हैलोजन लगा है और उल्फ-किशनर रिडक्शन करा रहे तो ऐसे में वो हैलोजन वाला पार्ट एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो रहा है, तो हैलोजन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन H प्लस निकालेगा, बेस जो बेस है वो H प्लस निकाला, बेस को तो H प्लस बहुत प्यारा है, H प्लस निकाला माइनस चार्ज आया, अब जैसे ही माइनस चार्ज आया तो अब Cl को देखा नहीं जाएगा इस माइनस चार्ज को अकेला, Cl माइनस लेकर निकल जाएगा, प्लस छोड़ देगा, प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बनाकर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया किस तरह से ये हैलोजन को अफेक्ट करता है, और COH यदि रहा तो सोचना ही नहीं यार, इसका H प्लस को निकाल के एनायन बना देगा, कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा, तो चलो यहां पे जैसे मान लो यार हमारे पास OH है, हमें यहां पे प्रोडक्ट ये बनाना है, मतलब ये OH अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, Cl अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन करवाएंगे, कौन सा रिएक्शन करवाएंगे, ये सवाल है मेरा आपसे। OH C डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जा रहा है CH2 में, इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन एल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब दिमाग में आना चाहिए क्लेमेंसन या उल्फ-किशनर रिडक्शन। अब यहाँ OH ग्रुप को अनअफेक्टेड रखना है, OH ग्रुप को अनअफेक्टेड रखना है, कौन सा रिएक्शन, तो OH को अनअफेक्टेड रहना, यदि हम क्लेमेंसन यूज करें तो H2O बाहर निकाल देता है, Cl ऐड कर देता है, पता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्लेमेंसन नहीं, यहाँ पे क्या करवाएंगे, उल्फ-किशनर रिडक्शन, उल्फ-किशनर रिडक्शन, ठीक है ना, उल्फ-किशनर रिडक्शन क्या होगा, OH जो है वो एज इट इज रह जाता है, लेकिन यदि Cl है तो उल्फ-किशनर मत कराना भाई, उल्फ-किशनर कराओगे तो Cl बगल से H निकाल के एल्कीन बना देगा, तो उल्फ-किशनर नहीं करा सकते, हमें Cl लगे रहने देना है, तो ऐसे में यहाँ क्या करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन, मतलब हैलोजन है अनअफेक्टेड रखना, क्लेमेंसन, अल्कोहल है, NH2 है, एल्कीन है, तो ऐसे में फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, सॉरी
एल्किन रहा तो क्लीमेंसन नहीं तो फिर वो एल्किन पे मार्कोनी का ऑक्साइड कर देता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना किस तरह से कहाँ क्लीमेंसन लगाते हैं, कहाँ हम लोग उल्फ कृष्णा लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लीमेंसन और उल्फ कृष्णा का प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा गलती हो जाता है ये सब की वजह से। तो इसलिए ये जो स्पेशल पॉइंट्स हमने लिखवाया, नोट्स लिखवाया, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे क्लीमेंसन और उल्फ कृष्णा। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।